यूपी में मुख्यमंत्री योगी ने मंत्रियों को बांटा काम, खुद संभालेंगे गृह समेत 37 विभागों की जिम्मेदारी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य को मिला लोक निर्माण विभाग, दूसरे डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा के पास शिक्षा की जिम्मेदारी। राजेश अग्रवाल के पास होगा यूपी का वित्त मंत्रालय, रीता बहुगुणा जोशी संभालेंगी महिला कल्याण। सिद्धार्थनाथ सिंह पर होगा राज्य की सेहत का जिम्मा, पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान के कंधों पर आया खेल का प्रभार। सुरेश खन्ना को शहरी विकास और संसदीय कार्य की जिम्मेदारी, श्रीकांत शर्मा संभालेंगे बिजली विभाग। यूपी की कमान संभालने के तीसरे दिन सचिवालय पहुंचे सीएम, डिप्टी सीएम केशव मौर्य के साथ किया पूरे दफ्तर का मुआयना। पूरे 45 मिनट तक सीएम ने सचिवालय के चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया, कर्मचारियों को जरूरी निर्देश दिए। सचिवालय की गंदगी को लेकर नाराज नजर आए सीएम, साफ सफाई को लेकर कर्मचारियों को दिए खास निर्देश। सचिवालय की गंदगी देखकर सीएम आदित्यनाथ योगी ने सुनाया फरमान, राज्य के सरकारी दफ्तर में गुटखा और पान मसाले पर पाबंदी। लोगों का नैतिकता इतनी होनी चाहिए कि इस सचिवालय में जो आता है वो जिम्मेदार आदमी है। यूपी के दफ्तरों में पॉलिथीन के इस्तेमाल पर भी पाबंदी, सभी जिला प्रशासन को जारी किया गया आदेश। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को फाइलें जल्द निपटाने के दिए निर्देश, अफसरों ने कहा कड़क है मुख्यमंत्री। यूपी में एक्शन में दिखा एंटी रोमियो स्क्वाड, कई जिलों में सड़क छाप मंचलों को सिखाया गया सबक। लखनऊ में गर्ल्स कॉलेज के बाहर से गुजरने वाले लड़कों पर शिकंजा, बेवजह घूम रहे लड़कों को चेतावनी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी सड़क छाप मजरों के खिलाफ अभियान, 17 युवकों के खिलाफ कार्रवाई। मेरठ में भी सड़क छाप मजरों पर एंटी रोमियो स्क्वाड का कहर, शहर के पार्कों में घूमकर कार्रवाई। गोरखपुर में भी एंटी रोमियो स्क्वाड ने संभाला मोर्चा, सड़क छाप मजरों के खिलाफ कार्रवाई। इलाहाबाद में एक्शन में एंटी रोमियो स्क्वाड, महिला कर्मचारियों को दी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग। एंटी रोमियो अभियान पर कांग्रेस ने उठाए सवाल, रेणुका चौधरी बोली शरीफ लोग होंगे परेशान। यूपी के डीजीपी ने एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर दिया भरोसा, बोले बेवजह परेशान करना नहीं है अभियान का मकसद। अबाउट हमारा मकसद ये नहीं है कि कौन किससे मिल रहा है या कौन किसके साथ घूम रहा है पार्क में या मार्केट में, हमारा मकसद स्पष्ट है। और यूपी में जारी है अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई, मेरठ में बीएसपी नेता के भाई के कत्लखाने पर जड़ा ताला। आगरा में भी अवैध बूचड़खानों पर प्रशासन का डंडा, निगम ने 3 कत्लखानों को किया सील। बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भड़का लोगों का गुस्सा, कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ नारेबाजी। गोहत्या पर पाबंदी को लेकर आदित्यनाथ योगी ने निजी वेबसाइट पर मांगी राय, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं लोग। राम मंदिर को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी का बड़ा बयान, बोले सहमति नहीं बनी तो राज्यसभा में बहुमत आने पर बनाएंगे कानून। हाँ, कानून बना सकते हैं यदि उस तक समझौता नहीं होगा तो, क्यों कितने दिन हम समझौता के लिए इंतजार करेंगे। आज तक से खास बातचीत में सुब्रमण्यम स्वामी का दावा, बोले 2019 तक बनाएंगे राम मंदिर। सुब्रमण्यम स्वामी के बयान पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार, कहा धमकी की भाषा बोल रही है सरकार। ये देखिए, ये तो धमकी है ना, कि या तो मानी हमारी बात को या फिर ऐसा करेंगे। भाषा तो कभी बदली, शुरू में भाषा जो थी वो आज भी भाषा है। लोगों को आतंकित करना, भड़काना और विवाद खड़ा करके राजनीतिक रोटियां सेकना। कर्नाटक में कांग्रेस को बड़ा झटका, बीजेपी में शामिल हुए राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रहे एसएम कृष्णा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पीएम मोदी से की मुलाकात, राज्य के विकास के लिए मांगा सहयोग। उत्तराखंड को उन्होंने पूर्ण सहयोग का में अपना आशीर्वाद दिया है। अमित शाह से भी मिले उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्य के कामकाज को लेकर हुई चर्चा। प्रधानमंत्री से मिले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह, किसानों की कर्ज माफी को लेकर बात की।
मंत्री बनने के बाद पहली बार अमृतसर पहुंचे नवजोत सिंह सिद्धू, हरमिंदर साहिब में टीका माथा। नवजोत सिंह सिद्धू ने जलियांवाला बाग में शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी, बादल परिवार पर निशाना साधा। पूर्वी दिल्ली के फर्श बाजार में केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, गंदे पानी को लेकर गुस्साए लोगों ने जलाया सीएम का पुतला। एमसीडी चुनाव के लिए बीजेपी में दावेदारों की भरमार, पार्टी दफ्तर में शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं नए नेता। कोलकाता में नारद मामले को लेकर बवाल, बीजेपी ने टीएमसी सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। समस्तीपुर में बिहार दिवस कार्यक्रम के दौरान शिक्षकों और होमगार्ड जवानों का बवाल, विधानसभा अध्यक्ष की गाड़ी रोक कर हंगामा। वरिष्ठ नागरिकों के रियायती टिकट के लिए जरूरी नहीं है आधार कार्ड, रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने लोकसभा को दी जानकारी। आखिरी टेस्ट के लिए धर्मशाला पहुंची ऑस्ट्रेलियाई टीम, मिचेल स्टार्क ने किया जीत का दावा। मुंबई में लॉन्च हुआ फिल्म ब्लू माउंटेन्स का म्यूजिक, 7 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी फिल्म। वृंदावन के श्रीरंग जी मंदिर में विशाल रथ यात्रा का आयोजन, हजारों की तादाद में श्रद्धालु शामिल।